गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मैसेंजर के एप्लीकेशन में मल्टीपल आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हो और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स कि आप लोग एक आईडी से ज़्यादा आईडी कैसे चला सकते हो एक ही मैसेंजर के एप्लीकेशन में। सो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग अपनी मैसेंजर के एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हो और उसको कैसे यूज़ करोगे। तो इसको करने के लिए आप लोगों को अपनी मैसेंजर के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैसेंजर के एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। अब आप लोगों को टॉप लेफ्ट साइड में आपकी प्रोफाइल का आइकॉन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैनेज अकाउंट्स, इस पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे जितने भी आईडी आप लोगों की लॉगिन होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप लोगों को कोई दूसरी आईडी लॉगिन करना है तो आप लोगों को ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब आप लोग जिस भी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसका आप लोग फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के, उसका पासवर्ड डाल के आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। सो ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग अपने एक ही मैसेंजर के एप्लीकेशन में मल्टीपल आईडी को लॉगिन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।